हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिना दूध, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बनाने का एकदम नया तरीका शेयर करूंगी। इनको बनाना बहुत ही आसान है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इनको मावे से बनाया है या फिर बगैर मावे से बनाया है। इस तरीके से भी हमारे बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए देखिए, इस तरीके से कोई भी बर्तन ले लेंगे। अभी मैंने एक कप शक्कर ली है, शक्कर को इसमें डाल देंगे। अब इसी कप से नाप के इसमें दो कप पानी डाल देंगे। इसमें फ्लेवर के लिए दो तीन इलायची कूट करके डाल देंगे। अभी पॉट को चूल्हे पर रख देंगे। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे बराबर से चलाते हुए शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने तक इसको पका लेंगे। ये शक्कर भी देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, उसमें उबाल भी आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हाई फ्लेम पे इसको करीब 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। इसकी हम एक या फिर दो तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, इसको हल्का सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अभी देखिए, मैंने पाव का क्वार्टर पार्ट लिया है। आप चाहो तो पाव की जगह इसमें ब्रेड भी ले सकते हो। अभी पाव को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। आप ये पाव की क्वांटिटी आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अभी पाव को मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इसको मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। ये पाव को देखिए मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच घर के दूध की फ्रेश मलाई डालेंगे। आप चाहो तो इसमें मलाई की जगह देसी घी भी डाल सकते हो। ये मलाई को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए, मैंने नॉर्मल दूध लिया है। अब इसमें हम जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, उसका थोड़ा सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे। अब इसको हम किसी भी तरीके के बर्तन से ढककर करीब 5 से 6 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे क्या है ब्रेड अच्छे से फूल जाएगी। ये चाशनी को भी हाई फ्लेम पे पकते हुए करीब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। देखिए, इस तरीके से उंगली में थोड़ी सी चाशनी लेंगे। अगर आपको चाशनी देखिए इस तरीके से थोड़ी गाढ़ी लगने लगे तो आप समझ लें कि चाशनी पक चुकी है। हमें इसकी एक या फिर दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसको हल्का सा गाढ़ा होने तक ही पकाना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी चाशनी को इस तरीके से किसी बाउल में निकाल लेंगे। अभी चाशनी को ढक करके साइड में रख देंगे। ये ब्रेड को भी भीगते हुए करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम हथेली की हेल्प से बढ़िया चिकना होने तक गूंद लेंगे। अगर आपको लगे कि डो ज्यादा टाइट हो गया है तो इसमें 1 चम्मच दूध और डाल दें। ये डो ना ही तो ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इसका थोड़ा मीडियम से डो लगा करके तैयार कर लेंगे। हमें इसके अंदर इनो, सोडा या फिर बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ब्रेड के अंदर ऑलरेडी खमीर होता है। इसका देखिए मैंने डो बना करके तैयार कर लिया है। अब इसके हम अपने पसंद के हिसाब से देखिए इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये देखा आपने कितनी बढ़िया एकदम चिकनी चिकनी हमारी बॉल्स बनी है, इनके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से पूरे मिश्रण की बोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी गुलाब जामुन को तलने के लिए हम कढ़ाई में देसी घी लेंगे। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे घी को मीडियम गर्म कर लेंगे। ये गुलाब जामुनों को फ्राई करने के लिए हमें घी को तेज गर्म नहीं करना है। अगर हम इनको तेज घी में फ्राई करेंगे तो ये फट भी सकते हैं और अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। ये घी भी देखिए हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें ये बॉल्स को डाल देंगे।
एक बार में हम इसमें 4 से 5 पीस ही डालेंगे, ज्यादा पीस नहीं डालेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इनको बराबर से चलाते हुए अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि बॉल्स फ्राई करते वक्त फट सकती हैं, तो आप इसके डो के अंदर 1 चम्मच मैदा या फिर 1 चम्मच अरारोट ऐड कर लें। इनको फ्राई करते वक्त हम इनको बराबर से चलाते रहेंगे। अगर हम इनको छोड़ छोड़ करके चलाएंगे तो कहीं से तो फ्राई हो जाएंगी और कहीं से कच्ची रह जाएंगी। ये बॉल्स देखिए सब तरफ से बढ़िया फ्राई हो चुकी है, हम इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से 5 5 6 6 पीस करके पूरी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। ये चाशनी भी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, अब गुलाब जामुनों को फ्राई करते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। अभी गुलाब जामुनों को चाशनी में अच्छे से डिप कर देंगे। ये गुलाब जामुनों को चाशनी में डालने के बाद देखिए चाशनी इतनी पतली होनी चाहिए। चाशनी पतली होगी तभी गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर आपकी चाशनी गाढ़ी होगी तो गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसकी वजह से आपके गुलाब जामुन टाइट रह सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें। अभी बाउल को ढक करके हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे क्या है गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये गुलाब जामुनों को चाशनी में डिप किए हुए करीब 1 से 1.5 घंटे हो चुका है। अब इनको सर्व करने के लिए किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इनको डेकोरेट करने के लिए भी थोड़े से चांदी के वर्क लगाएंगे। इन पे थोड़ी सी पिस्ते की कटिंग ऐड करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कितने बढ़िया एकदम सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बाय अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।